हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बता देती हूँ, आज है मार्च की 22 तारीख और देखिए हम मेरा फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें मैंने कुछ पर्पल हार्ट है और ये देखिए ये मनी प्लांट के कुछ स्टेम्स मैंने डाल दी हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो काफ़ी अब अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये सारे प्लांट्स हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ आपको दिखाती हूँ, पहले तो दिखा देती हूँ उसके बाद कुछ अपडेट्स दूंगी। तो कल मेरे पति देव गए थे रुड़की, जहाँ पर उनकी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पर उन्हें मिल गई एक नर्सरी। तो वहाँ से ये कुछ प्लांट लेके आए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहला पौधा तो है ये बेगम बहार का, इसमें देखिए बर्ड्स भी आ रखी हैं। ये फर्स्ट टाइम ही लाए हैं, वैसे उन्हें नाम नहीं पता होता, बस उन्हें पता है कि ये वाला पौधा पारुल के पास नहीं है तो बस वो ही ले आते हैं, नाम वगैरह उन्हें नहीं पता है। तो बस एक ये पौधा लाए हैं, ये बता रहे थे ये 60 रुपीज़ का उन्हें पड़ा था। और ये देखिए इसमें बड भी हैं, बहुत ही प्यारी सी फ्लावरिंग आती है और धूप का ये प्लांट है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है एक ये देखिए ये नियोन फेलेडेंड्रोन है, तो ज़्यादा कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बस इनको अच्छा लगा तो इन्होंने ले लिया। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत पत्तियां लग रही हैं और ये भी 60 रुपीज़ का ही है। देखिए एक ही स्टेम है लेकिन अच्छा लगा इन्हें तो ये ले लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कलर का जो ये नियोन कलर है, इस कलर का पारुल के पास प्लांट नहीं है तो उन्होंने ले लिया। 60 रुपीज़ का ये पड़ा था और ये भी 60 रुपीज़ का पड़ा था। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट है ये देखिए फिर ये डेफन बेकिया है, ड्रमकिन भी बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये। इनको पता था कि पारुल को ये लेना है बट नहीं ले रही है वो, तो ये इनको मिल गया, ये मिला है 150 रुपीज़ का, तो ये भी ना देरी करते हुए ले लिए। ये बता रहे थे कि इसकी एक और थोड़ा सा ना उसके वाइट से पत्ते थे तो वो भी वैरायटी थी, तो उन्हें ये वाला ज़्यादा पसंद आया तो ये वाला ले लिया उन्होंने, 150 का पड़ा। तो ये छोटा सा गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट हैं और मेरे पास वो प्लांट नहीं है जो उस नर्सरी में है, तो कभी मौका मिला तो मैं जाऊँगी ज़रूर उस नर्सरी में। अब दोस्तों मैं आपको दे देती हूँ जो मैंने समर की जो सीडलिंग करी थी उसकी अपडेट भी मैं दे देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला तो है ये अपराजिता का, देखिए इसमें 3 जो है सीड जर्मिनेट हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ बहुत ही पास से, नीचे रख के दिखाती हूँ। देखिए एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक ये है, तो ये 3 जर्मिनेट हो गए हैं, तो उम्मीद है बाकी भी जर्मिनेट हो जाएंगे। अपराजिता के ये सीड हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के, और ये इसमें 5 सीड जो है जर्मिनेट हो गए हैं, तो देखिए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 5 जर्मिनेट हो गए हैं, तो बहुत ही जल्दी ये भी ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, और बाहर ये देखिए गजानिया बहुत ही अच्छे से फ्लावर खिला रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर देखिए ये सीडम की जो लीव्स रखी थी, देखिए इसमें भी प्रोपगेशन स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही खुश हूँ। और इधर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मैंने कैलेंडुला नहीं, हाँ कलेडियम के जो है ये बल्ब ग्रो करे थे, तो ये देखिए यहाँ पर ग्रो हो गया है। देखिए तो आज मैं सारे आपको रिजल्ट ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है देखिए ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, देखिए कितने सारे ग्रो हो गए हैं, तो सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे ये मिनिएचर सनफ्लावर का मिला है। देखिए और कितने सारे जर्मिनेट हो गए हैं, अभी कुछ बाकी भी हैं जर्मिनेट नहीं हुए हैं। और नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये है कोचिया के, तो देखिए इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, बहुत ही सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। देखिए और इधर देखिए यहाँ पर ये देखिए कितने सारे जर्मिनेट हो गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस बार रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इधर भी दिखा देती हूँ, ये कैक्टस की वैरायटी है और ये भी ग्रो हो गई है, कल मैंने इसकी कटिंग निकाल कर देखी, मैंने कहा कि ये थोड़ी सी जो है ना डाउन सी लग रही थी, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी सी रूट्स बनी हुई हैं, तो ये मैंने
ग्रो करी थी ये भी हो गई है। ये जो है इसकी वैरायटी है और देखिए इसमें न्यू न्यू लीव्स भी आ रही हैं। देखिए ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो अभी तो इसका रिजल्ट मैं आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता ये ग्रो हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस वाले में भी सकुलेंट में देखिए फ्लावरिंग हो रही है और पीछे से मेरे बेबी के रोने की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो ये देखिए इसमें भी फ्लावर काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। तो कैक्टस तो मेरे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, कैक्टस नहीं सॉरी सकुलेंट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो करे हैं। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज़ और, ये बंदर ने मेरा इंसुलिन प्लांट जो है वो तोड़ दिया था, तो इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रूट्स तो अभी नहीं बनी हैं लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आपको शायद दिख जाए, इधर से दिखाती हूँ दोस्तों, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है पर इसमें वाइट वाइट से थोड़े थोड़े से ऐसे ना निशान निशान से पॉइंट पॉइंट से दिख रहे हैं, कैमरे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये पानी में ग्रो हो जाती है। और नेक्स्ट है ये देखिए, ये है अम्ब्रेला पाम, तो ये इसकी भी पत्ती बंदर ने तोड़ दी थी जो कि मैंने पानी में रख दी थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट्स बनी और देखिए कितने सारे इसमें से बेबीज निकल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो, कोई भी लीव टूट जाए तो उसे पानी में रखकर ज़रूर ट्राई करें, क्या पता पानी में भी ग्रो हो जाए। ये देखिए कितने सारे बेबी हैं। तो काफ़ी खुश हूँ मैं कि बंदरों ने तो चलो तोड़ दिया, तब तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब नए नए पौधे जो हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसको भी मुझे देखकर काफ़ी खुश हूँ मैं, देखिए बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं, मॉर्निंग ग्लोरी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।